तुम हो यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट हीरो, इतने भी खास नहीं लगते। रात के लिए खास लगना जरूरी नहीं, रात सबसे गुस्से वाला है और रात का गुस्सा बहुत खास है। तो यार बेंटन में अगर कोई ऐसा एलियन है जो सबसे ज्यादा कूल एंड हॉट है तो वो है रेथ, और कोई ऐसा जो किसी से भी नहीं डरता तो वो भी रेथ है, क्योंकि रेथ बेंटन का एक इकलौता ऐसा एलियन है जिसके अंदर रद्दी भर भी डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेथ की ही, जहां हम जानेंगे रेथ की एवोल्यूशन की और इसके सभी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जो हमें बेंटन यूनिवर्स में अभी तक दिखाए गए हैं। तो जो रेथ के फैंस हैं तो वो लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना रेथ बुरा मान जाएगा, और अगर रेथ बुरा मान गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। थैंक यू ठीक है। तो यार बेंटन का ये एलियन जो किसी से नहीं डरता वो हमें पहली बार देखने को मिला था एक एपिसोड में जिसका नाम था द कॉर्न ऑफ रेथ, और यहाँ पर हमें पहली बार रेथ का अपीयरेंस कराया गया था, और यहीं पर हम सब ने पहली बार रेथ को देखा था और रेथ के असली गुस्से को भी देखा था, जहाँ पर उसने अपने एनिमी के पेट में जाकर और उसके दांतों को तोड़कर टिफिन को बाहर निकाल लिया था। और इसी एपिसोड में रेथ के एटीट्यूड को देखकर बेंटन फैंस रेथ के दीवाने तक हो गए थे। पता है तुमने अपने कद से लंबी बात क्या डाली है बच्चों, ये तो बस एक छोटा सा सैंपल था। जिसके बाद रेथ के हमें कई और वर्जन देखने को मिले, जहाँ पर जो अगला वर्जन था वो था ये, क्या जहाँ पर हमें एक नेगेटिव रेथ देखने को मिला, और वो था एल्बिडो का, जहाँ पर ये रेथ दिखता तो सेम था पर इसकी आंखें लाल थी। और फिर इसके बाद जो इस लिस्ट में हमारा तीसरा रेथ है वो है ये, जो हमें जनरेटर रैक्स में देखने को मिला था, और यहाँ पर इस रेथ का डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग था। लेकिन एक बात जो इस रेथ को बहुत ज्यादा खास बनाती है वो है इसका डिजाइन, जो देखने में बहुत ज्यादा रियल लग रहा था, और ये वाला डिजाइन भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। Destroy? You really haven't heard of me? और इसके बाद जो हमारा अगला रेथ है वो है एक गेम से जिसका नाम था कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रेथ देखने को मिला जो हूबहू पहले वाले रेथ से मैच खाता है। और फिर इसके बाद जो हमें अगला रेथ देखने को मिला वो था बेंटन ऑमनीवर्स में, जहां पर सभी एलियंस के आर्ट स्टाइल को तो बदल दिया गया था, लेकिन बेंटन फ्रेंचाइज को ये बात पता थी कि अगर वो रेथ से पंगा लेंगे और उसके आर्ट स्टाइल को चेंज करेंगे तो रेथ बेंटन फ्रेंचाइज की लंका तक लगा देगा, और यही सोचकर उन्होंने रेथ के डिजाइन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया, और बेंटन ऑमनीवर्स में भी हमें वही रेथ देखने को मिला एक माइनर से चेंजेस के साथ। तो यार सोच सकते हो जिसने बेंटन को बनाया है वो भी रेथ से पंगा लेने से डरते हैं। रात के लिए खास लगना जरूरी नहीं, रात सबसे गुस्से वाला है और रात का गुस्सा बहुत खास है। और अब इसके बाद आता है नंबर 6, और नंबर 6 पर जो रेथ है वो है ये, जहाँ पर इस वाले रेथ में ट्रांसफॉर्म हुआ था एल्बिडो और इसका कलर था थोड़ा सा चेंज अगर हम कंपेयर करें बाकी रेथ से, जहाँ पर इस वाले रेथ का कलर था व्हाइट और ये भी दिखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। तुम एक बात बता दूं ओमनीट्रिक्स, रात को तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर इसके बाद जो हमारा अगला रेथ है वो भी बेंटन ओमनीवर्स से है, जहाँ पर उसी रेथ के डिजाइन में थोड़ा सा और चेंजेस किया गया और इस बार उसको क्लोज पहना दिए गए, पर यार इस वाले चेंजेस में रेथ का एटीट्यूड कहीं ना कहीं कम लग रहा था अगर कंपेयर करो आप पहले वाले डिजाइन के साथ, जो मुझे फील हुआ। Not if Rat decides to turn you into a salad first. और इसके बाद आता है एक और रैथ
जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो है मैड वैन का रैथ। और इस वाले रैथ के पास बहुत सारे स्पाइक्स हैं जो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, और ये कंपेयर पहले वाले रैथ से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ये वाला रैथ मैड वैन का है। तो मैड वैन पहले से ही मैड है, तो सोचो अगर कोई मैड आदमी रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो रैथ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला रैथ है वो है ये एक अल्टीमेट रैथ जिसमें एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था। और रियली ये वाला रैथ बेंटन फैंस के बीच बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ, और बेंटन फैंस ने इस पर कई सारे सवाल भी उठाए थे कि आखिरकार रैथ का अल्टीमेट फॉर्म इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है। और इसी को देखते हुए दोबारा कभी अल्टीमेट रैथ को नहीं दिखाया गया। वैसे आपको ये अल्टीमेट रैथ कैसा लगा था मुझे नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर देना। नहीं। और फिर इसके बाद जो हमें लास्ट और आखिरी रैथ देखने को मिला वो था ये बेंटन रिबूट में। और बेंटन रिबूट में जो ये रैथ देखने को मिला वो बिल्कुल ही सिमिलर था जो हमने बेंटन एलियन फोर्स में देखा था। और इस रैथ को बेंटन फैंस के हैवी डिमांड पर बेंटन रिबूट में दिखाया गया था, और इसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल बेंटन रिबूट के बैन की तरह ही है, जहाँ पर जो ये है बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेता है। और आप यहाँ पर रैथ की पावर का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि रैथ अकेले ही एलियन एक्स तक से बिड़ गया था, अब भले ही यहाँ पर उसकी खूब पिटाई हुई हो। इतना तो धोबी कपड़ों को भी नहीं धोता। और खास बात यह है कि हमें बेंटन एलियन फोर्स में जो रैथ दिखा था उस एपिसोड का नाम था द कॉन ऑफ रैथ, और जो यहाँ पर हमें बेंटन रिबूट में देखने को मिला उसका नाम भी यही था कॉन ऑफ रैथ। पर यार आपको नहीं लगता कि इसका नाम होना चाहिए था कौन है रैथ? आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। तो ये थे वो रैथ के सभी डिफरेंट आर्ट स्टाइल और डिजाइन जो हमें अभी तक बेंटन यूनिवर्स में देखने को मिले हैं, और ये सभी आज मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप यार रैथ के सच्चे वाले फैन हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर वीडियो पे कम लाइक हुए तो यार रैथ ना मुझे ना आपको छोड़ेगा। और अब मुझे गुस्सा आया है, तो यार लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ये जो लाल रंग का बटन दिख रहा है आप उसे दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तो तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। तो रात के साथ कौन फोटो खिंचवाना चाहेगा? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत खूब मेरे शेर। तो बेंटन यूनिवर्स में कितनी ओमनीट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना, और बेंटन के ओमनीट्रिक्स के एवोल्यूशन को जानने के लिए नीचे वाली।